हरे कृष्णा। आपने कहावत तो सुनी होगी, जगन्नाथ के भात को जगत पसारे हाथ। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण जगन्नाथपुरी में दिखता है। जब भी हम वहाँ जाते हैं तो वहाँ बड़े बड़े घड़ों में, बर्तनों में इतना प्रसाद भगवान का निरंतर बटता रहता है। सभी लोग हम प्रसाद पाके कृतार्थ होते हैं। वर्णन आता है, जगन्नाथपुरी के राजा ने भगवान को वचन दिया है, प्रभु आप जितनी देर प्रसाद खा के कुल्ला करेंगे उतनी देर के भीतर ही आपका दूसरा प्रसाद आपको भोग लग जाएगा। यानी कि लगातार जगन्नाथ जी को प्रसाद भोग लग रहा है और हम सभी लोगों को वो कृपा प्राप्त हो रही है। प्रसाद को भगवान का साक्षात दर्शन माना जाता है। प्र अर्थात प्रभु का, सा अर्थात साक्षात, द दर्शन। यदि हमें भगवान का प्रसाद मिल गया तो समझिए भगवान ने हम पर अपनी पूर्ण कृपा बरसा दी है। आज जो जगन्नाथपुरी में महाप्रसाद बंट रहा है तो वो इतना सुलभ नहीं था जितना आज हम देख पा रहे हैं। वो इतना दुर्लभ था कि देवर्षि नारद को भी नहीं मिला था। आज देखिए हम सब कितने भाग्यशाली हैं, हमें बहुत आसानी से जगन्नाथ जी का प्रसाद मिलता है। तो अब जानते हैं इसके पीछे क्या कथा थी, कैसे प्रसाद हम पतित जीवों तक इतनी आसानी से पहुँचा है। एक बार वैकुंठ में देवर्षि नारद गए। नारद जी के लिए किसी भी लोक में जाना किसी प्रकार की रोक टोक नहीं है, वो कहीं भी जा सकते हैं। तो वैकुंठ में गए तो वहाँ लक्ष्मी माता के पास मैया की सेवा करी। मैया अति दयालु, वो प्रसन्न हो गई। उन्होंने कहा, पुत्र नारद, मैं तुम पर इतनी प्रसन्न हूँ, तुम कुछ वरदान मांगो। नारद जी ने कहा, मैया मैं वरदान तो मांगूंगा लेकिन आपको पहले वचन देना पड़ेगा। तो लक्ष्मी मैया ने कहा, ठीक है मैं वचन देती हूँ। उसी समय नारद जी ने बड़ी चतुराई से क्या वरदान मांगा कि माता, आप तो नारायण का नित्य प्रति उच्चिष्ट प्रसाद ग्रहण करती हैं, कृपा करके एक कण प्रसाद का, एक दिन का प्रसाद मुझे आप दे दीजिए, क्योंकि आपके सिवा नारायण का प्रसाद और कोई नहीं दे सकता है। ये सुनते ही लक्ष्मी माता घबरा गई, नहीं नहीं पुत्र नारद, तुम कुछ और मांग लो, मैं तुम्हें तत्क्षण दे दूंगी, लेकिन प्रसाद मत मांगो, क्योंकि कुछ ही दिन पूर्व मेरे स्वामी नारायण ने मुझे आज्ञा दी थी कि मेरा प्रसाद किसी को मत देना, इसलिए मैं कैसे तुम्हें प्रसाद दे सकती हूँ। लेकिन देवर्षि नारद भी अड़े रहे, वो कब मानने वाले थे। उन्होंने कहा, नहीं मुझे तो बस प्रसाद ही चाहिए। अगले दिन माता लक्ष्मी सुंदर सुंदर व्यंजन तैयार करके नारायण के समक्ष प्रस्तुत किया। बहुत प्रेम भाव से भगवान को परोस रही थी। तो नारायण ने क्या देखा कि लक्ष्मी माता का जो खिलता हुआ प्रसन्न मुख है उसमें कुछ चिंता की रेखा दिखाई दे रही है। तो नारायण ने पूछा, लक्ष्मी क्या बात है, तुम परेशान दिख रही हो। तो मैया ने सारी बात बताई, प्रभु मैं धर्म संकट में फंस चुकी हूँ, एक ओर आपकी आज्ञा, दूसरी ओर मेरे पुत्र नारद को दिया वचन, अब मैं किसका पालन करूँ। तो भगवान ने लक्ष्मी माता के चिंता को दूर करते हुए कहा, देवी मैं एक दिन तुमको छूट देता हूँ, एक दिन के लिए तुम मेरा प्रसाद नारद जी को दे सकती हो, बस एक ध्यान रखना मेरे सामने मत देना। तो यही हुआ, बड़ी चतुराई के साथ लक्ष्मी माता ने भगवान का प्रसाद नारद जी को दे दिया। भगवान का प्रसाद ग्रहण करने के बाद देवर्षि नारद की अद्भुत भावमय स्थिति हो गई। उन्हें यह भी भान नहीं रहा कि मैंने हाथ धोना है या कुल्ला करना है। वो तुरंत नृत्य करने लगे और कीर्तन करने लगे, इस कोने से उस कोने में जा रहे हैं और उन्हें अपने शरीर की सुध नहीं है। नाचते नाचते देवर्षि नारद एक लोक में गए, दूसरे लोक में गए, तीसरे लोक में गए, तो फिर कहाँ पहुँचे, कैलाश में पहुँच गए। जब कैलाश में नृत्य करते हुए नारद जी पहुँच रहे थे तो शिवजी ने देखा। शिवजी ने विचार किया, यद्यपि देवर्षि नारद निरंतर भगवान का नाम और लीला में आनंद मग्न रहते हैं लेकिन फिर भी आज जैसी स्थिति तो मैंने पूर्व में नहीं देखी, कुछ तो विशेष कारण है जिससे आज देवर्षि नारद इतने प्रसन्न हैं। तो शिवजी ने आवाज़ दी, नारद जी रुको रुको, क्या कारण है आप बताओ, आज आप इतने प्रसन्न क्यों हैं। नारद जी ने थोड़ा सा अपने को संभाला। नारद जी ने प्रसन्नतापूर्वक तत्काल उत्तर दिया कि आज मुझे नारायण का प्रसाद प्राप्त हुआ है, जिस प्रसाद को पाके मैं इतना आनंदित हो रहा हूँ। तो जो वैष्णव में शिरोमणि शंकर जी हैं उन्होंने तत्काल नारद जी को प्रणाम किया और कहा, देवर्षि आप महासौभाग्यशाली हैं जो आपको नारायण का प्रसाद मिला है, क्या आप एक कण प्रसाद मेरे लिए भी लाए हैं। यह बात सुनते ही देवर्षि नारद को दुख होने लगा, ओहो मैं तो शिवजी के लिए प्रसाद लाना भूल गया।
नारद जी संकोच पूर्वक सर नीचे करके देखने लगे तो उनकी दृष्टि पड़ी कि उनके हाथ की उंगली में एक कणिका प्रसाद लगा हुआ है। उन्होंने तत्काल कहा, हाँ भोलेनाथ, देखिए आप भी बहुत सौभाग्यशाली हैं, आपके लिए एक कण प्रसाद का मिल गया। ये सुनते ही शिव जी ने तुरंत वह उनकी उंगली से प्रसाद का कण निकाला और अपने मुख में दे दिया। फिर क्या था, जो स्थिति देवर्षि नारद की थी वही स्थिति भोलेनाथ की हो गई। भोलेनाथ जब आनंद में नृत्य करने लगे तो आप जानते ही हैं उनका नृत्य तो तांडव है, जिसकी धमक मात्र से ब्रह्मांड हिलने लगता है, और शिवजी अगर तांडव करें तो सृष्टि में प्रलय आ जाता है। जब शिवजी का तांडव नृत्य प्रारंभ हुआ तो आकाश में देवता छा गए, बड़े बड़े महर्षि गण ब्रह्मा जी समेत, कि आज क्या समय से पूर्व प्रलय हो जाएगा, शिवजी ने तांडव क्यों शुरू किया, ये विचार कर रहे थे। उन्होंने कहा, हमें किसी भी तरह शिवजी को रोकना पड़ेगा, अन्यथा सृष्टि समाप्त हो जाएगी, भला शिवजी के आगे कौन टिक सकता है। शिवजी के भयंकर कोप से डर के मारे सब पार्वती माता की शरण में गए, बोले मैया अब आप ही हमें भोलेनाथ से बचा सकती हो, कुछ भी करके शिवजी को रोकिए। तो पार्वती माता भोलेनाथ के समक्ष गई, बोली स्वामी क्या बात है, आज आप इतने प्रसन्न क्यों नृत्य कर रहे हैं। जब पार्वती माता की ये बात सुनी तो शिवजी थोड़ा सा रुके, उन्होंने कहा, देवी मुझे नारद की कृपा से आज नारायण का प्रसाद प्राप्त हुआ है। ये सुन के पार्वती माता बहुत प्रसन्न नहीं हुई, उन्होंने तुरंत पूछा, क्या मेरे लिए भी आपने प्रसाद बचाया है। शिवजी चुप रह गए, उनके पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि एक कण प्रसाद उन्हें प्राप्त था, उसमें से वो बचाना संभव नहीं था। तो पार्वती माता समझ गई, उनको क्रोध आ गया, क्रोधित होके उन्होंने कहा, आपने मेरे साथ अन्याय किया है, भगवान का महाप्रसाद अकेले पाया है। तो पार्वती माता जब क्रोधित हुई तो क्योंकि वो शिव की शक्ति है, उनके शरीर से अग्नि की लपटें निकलने लगी। देवताओं ने कहा, एक समस्या रुकी तो दूसरी समस्या खड़ी, अब क्या करें। तो सारे ब्रह्मा जी समेत भगवान से प्रार्थना करने लगे कि हे नारायण, हे भगवान विष्णु, अब आप ही रोक सकते हैं, आप ही कुछ करिए। तो भगवान ने स्थिति को जानकर तुरंत गरुड़ पर सवार होके कैलाश में आए। जैसी पार्वती माता ने भगवान को आते देखा, उन्होंने तुरंत प्रणाम किया। भगवान ने कहा, देवी कृपया तुम शांत हो जाओ, मैं तुम्हें इच्छा अनुसार महाप्रसाद दूंगा, शिवों की रक्षा के लिए तुम अपने क्रोध को शांत करो। पार्वती माता नहीं मानी, क्योंकि मैया का स्वभाव है बिना बालकों को खिलाए स्वयं कभी नहीं खाती है। उन्होंने कहा, महाप्रसाद केवल मुझे नहीं चाहिए, मेरी समस्त संतान को, जितनी भी ब्रह्मांड में जीवात्माएं हैं, बिना भेदभाव के सबको आपका प्रसाद मिलना चाहिए। भगवान ने कहा, तथास्तु। भगवान ने कहा, मैं जगन्नाथ के रूप में श्री क्षेत्र में प्रकट होऊंगा, वहां मुझे विशाल रूप में प्रसाद का भोग लगेगा, और जब मुझे प्रसाद भोग लगेगा, सर्वप्रथम प्रसाद की भागीदारी आपकी रहेगी। तो आज भी जगन्नाथपुरी में पार्वती माता विमला देवी के रूप में विराजमान हैं। जब भी आप जगन्नाथपुरी जाएं, देखेंगे कि जगन्नाथ मंदिर के सामने ही विमला देवी का मंदिर है। जो भी भोग भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को लगता है, सीधा विमला देवी के पास आता है, वहां से जो अवशेष बचता है वो प्रसाद फिर आनंद बाजार में जाके हम सभी लोगों को उपलब्ध होता है। यदि देवर्षि नारद और पार्वती माता समेत सबकी कृपा ना होती तो आज हमें ये उपलब्ध नहीं होता। इसलिए जब भी किसी भी मंदिर में जाएं, विशेषकर जगन्नाथपुरी में, तो वहां प्रसाद अवश्य ग्रहण करें। हरे कृष्णा।